अष्टावक्र गीता अध्याय 10। अष्टावक्र गीता दसम अध्याय में कहा गया है, श्री अष्टावक्र कहते हैं कि कामना और अनर्थों के समूह धन रूपी शत्रुओं को त्याग दो। इन दोनों को त्याग रूपी धर्म से युक्त होकर सर्वत्र विरक्त हो जाओ। फिर दूसरी बात कहते हैं कि मित्र, जमीन, कोषागार, पत्नी और अन्य संपत्तियों को सपने की माया के समान 3 या 5 दिनों में नष्ट होने वाला देखो। जहां 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 आ सकती हो उसको ही संसार जानो। इस प्रकार परिपक्व वैराग के आश्रय में तृष्णा रहित होकर सुखी हो। चौथी बात कहते हैं, तृष्णा, तृष्णा अर्थात कामना मात्र ही स्वयं का बंधन है। उसके नाश को मोक्ष कहा जाता है। संसार में अनासक्ति से ही निरंतर आनंद की प्राप्ति होती है। फिर पांचवी बात कही गई है, तुम एक चेतन, अद्वितीय और शुद्ध हो तथा यह विश्व अचेतन और असत्य है। तुम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं और जानने की इच्छा भी नहीं। फिर छठी बात कही गई है, पूर्व जन्म में बहुत बार तुम्हारे राज, पुत्र, पुत्री, शरीर और सुखों का तुम्हारी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। और सातवीं बात, पर्याप्त धन और इच्छाओं, शुभ कर्मों द्वारा भी इस संसार रूपी माया से मन को शांति नहीं मिली। फिर आठवीं बात कही गई है कि कितने जन्मों में शरीर, मन और बाड़ी से दुख के कारण कर्मों को तुमने नहीं किया, अब उनसे विरक्त हो जाओ। ये था अष्टावक्र गीता अध्याय 10। नेक्स्ट वीडियो में मैं अष्टावक्र गीता अध्याय 11 के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।